कौन बात कर रहे हो आप? आपका फूफा बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, मेरे फूफा बात कर जी रहे जी हैं। जी मैडम नमस्कार। बोलिए, मैडम आई की सॉल्यूशन से बात कर रहे हो आप? आप कौन बात कर रहे हो सर? मैं कौन बात कर रहा हूँ? आप सर, आप अपना पहले नाम बताएंगे या कौन बात कर रहे हो? मैं मुकेश बात कर रहा हूँ। सॉरी, मुकेश बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी बोलिए सर। हाँ तो मैडम मुझे क्या जॉब की ज़रूरत है, लॉकडाउन में घर की हालत थोड़ी ठीक नहीं है और मेरा भी जो एजुकेशन का नहीं चल रहा है, तो अभी क्या है मुझे जॉब करनी है, डेटा एंट्री। एक मिनट, पहले हमें ये जानकारी दीजिए कि आप कौन बात कर रहे हो। मैडम मैं बता रहा हूँ, मैं मुकेश बात कर रहा हूँ मैं। जी मैं मुकेश बात कर रहा हूँ, आपने कॉल काट दिया था अभी। बोलिए। हाँ तो आई क्यू सोल्यूशन से बात कर रही मैडम आप? बोलिए। हेलो जी, बोलिए। मैडम टाइम खराब मत करो मेरा आप। बोलिए कि क्या है? आपका फूफा बात कर रहा हूँ मैं। क्या, मेरे फूफा बात कर रहे हो? जी जी आपका फूफा बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा बोलिए। हाँ तो आईक्यू सॉल्यूशन में काम कर रहे हो अभी आप? नहीं कर रहे, बोलिए ना आगे। नहीं कर रहे? आगे बोलिए क्या काम है। मुझे पहचान लिया मुझे? कौन बात कर रहे हो आप? आपका फूफा बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, मेरे फूफा बात कर रहे। जी जी आपकी, हेलो क्या आपका फूफा बात कर रहा हूँ मैं, समझ में आया? आगे बोलिए ना। अच्छा मुझे जॉब लेना है मुझे। नहीं नहीं देंगे, कोई भी जॉब नहीं मिलेगी। आप अपने फूफा को जॉब नहीं दे सकते? हेलो, आप अपने फूफा को जॉब नहीं दे सकते? फोन रखो ना, क्यों सुबह सुबह में दिमाग खराब कर रहे हो? अरे आपने माँ बहन कर रखी है लोगों की, कि तो मैं आपका दिमाग खराब नहीं कर सकता क्या? बराबर है, बराबर है। माँ बहन कर रखी, बताएंगे जरा? हजारों सैकड़ों लोगों की माँ बहन एक कर रखी है आप लोगों ने डेटा एंट्री के नाम पे, मैं आपका दिमाग खराब नहीं कर सकता? एक का भी तो नाम बताओ। क्या हजारों सैकड़ों में से किसी एक का भी तो नाम बताओ मुझे। अनीसा, मनीषा, रीना है, कमलेश है, पवन है, इन सब लोगों के घरों। हेलो, तो जैसा कि अभी मैं बात कर रहा था, ये आई क्यू सोल्यूशंस की मैडम थी जो स्टार्टिंग में कॉल करेगी आपको, फिर आपको जॉब देगी। इसकी आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। अगर आप मेरे लास्ट के 3-4 वीडियो देखे हो जिनमें 2-3 मैडमों से बात की, उन्हीं में से कोई एक मैडम है। बट आई क्यू सोल्यूशंस से मैंने बात की, ये पहली बार कॉल की है मैंने आई क्यू सोल्यूशंस के अंदर, बट इसकी जो आवाज़ जानी पहचानी लग रही है। और ये मेरे बारे में जानकारी इसलिए लेना चाह रही, शायद इसको अंदाज़ा लग चुका है शायद कि ये वही मुकेश है। तो अभी बात करेंगे हम इसके एडवोकेट से, जो लीगल डिपार्टमेंट के एडवोकेट हैं उनसे बात करेंगे, देखें उनके क्या रेस्पॉन्स रहता है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और चलो इनसे बात करते हैं। हेलो जी नमस्ते सर। सर आई क्यू सॉल्यूशन से बात कर रहे हो आप? जी मैं एडवोकेट सौरभ बात कर रहा हूँ मैं। जी सौरभ एडवोकेट। जी हाँ सर, एक केस है जो अपने यहाँ पर आया हुआ है, शायद उसको सेटलमेंट क्या करना है उसके रिगार्डिंग बात करनी है। अनीसा वर्मा केस है कोई डेटा एंट्री के रिगार्डिंग। आप कौन बोल रहे हैं बताइए? मैं एडवोकेट सौरभ बात कर रहा हूँ, मैं उनका एडवोकेट हूँ अनीसा जी का, तो उन्होंने मुझे कुछ सेट करने के लिए बोला हुआ है, जो भी केस है उसको। एडवोकेट बोल रहे हो? नाम बताइए उनका। अनीसा वर्मा। जी कौन बोल रहे हो आप? मैं एडवोकेट सौरभ बात कर रहा हूँ मैं। जी बोलिए। जी तो अपने यहाँ पे केस आया हुआ है अनीसा वर्मा के नाम से, तो उसका सेटलमेंट करना है। जी क्या सेटलमेंट करना है आपको? कि उसका क्या पेमेंट वगैरह करना है, क्या करना है, वो सब चीज़ें। उनको पेनल्टी भरवानी होगी। अच्छा आई क्यू सोल्यूशन से बात कर रहे हो ना? जी जी जी। अच्छा तो जो एग्रीमेंट लिया था इसलिए पे करना है या फिर काम नहीं किया इसलिए करना है? सर काम लिया था, उन्होंने कंप्लीट करके नहीं लिया, उस काम में फेलियर हुई, तो इसकी वजह से कंपनी को जो नुकसान हुआ है उसका पेनल्टी अमाउंट उसको भरवाना। बट इसके रिगार्डिंग कोई एग्रीमेंट तो नहीं किया उन लोगों ने? हुआ ना एग्रीमेंट, हुआ ना। अच्छा वो एग्रीमेंट सही है? सॉरी वो एग्रीमेंट सही एग्रीमेंट है क्या वो? जी। अच्छा कितनी कंपनियों ने वो सेम एग्रीमेंट कॉपी पेस्ट किया हुआ है पता है आपको?
जी बोलिए कितने कंपनियों ने? 20 से 25 कंपनियों के पास सेम एग्रीमेंट है, कम से कम 200 से 250 लोगों के पास में सेम एग्रीमेंट सेम सीरियल नंबर का पेस्ट किया हुआ है। तो या तो कंपनी जो है फ्रॉड है। हेलो हाँ बोलिए ना। मैं ये बोल रहा हूँ दोबारा उस नंबर पर कॉल है मैसेज नहीं जाना चाहिए। हेलो 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 हाँ बोलिए। उस नंबर पर दोबारा कॉल और मैसेज नहीं जाना चाहिए। सर जो भी लीगल एक्शन होती है आप स्टार्ट करवा दीजिए। तेरी लीगल की ऐसी की तैसी दोबारा कॉल ना मत करिए उस नंबर पर। हेलो ठीक है तो दोबारा कॉल मैसेज मत कर दियो नहीं तेरू जाए ना वहीं आके। हेलो रखो फोन रखो फोन रख रहा हूँ मैं लेकिन दोबारा कॉल मैसेज मत कर दियो ओकाश। हेलो तुम्हारा द्वारा डायल करवामा आवेल नंबर लीगल डिपार्टमेंट है IQ सॉल्यूशंस के नाम से। इसका एग्रीमेंट मैं आपको साइड में स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये एग्रीमेंट जैसा कि आपने जो रिकॉर्डिंग सुनी होगी बात सुनी है उससे पता चल जाता है कंपनी किस तरह की है, क्या इनको पे करना है, इनके साथ किस तरह का बिहेव करना है। एक सिंगल पैसा पे नहीं करना है लीगल एग्रीमेंट के नाम पर, ना ही मेंटेनेंस के नाम पर। कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट केस नहीं होगा, ना IPC सेक्शंस लगते हैं कोई भी इस तरह के केसेज में। और इस कंपनी को मैं वेरीफाई करता हूँ, सर्टिफाई करता हूँ कि ये 100% फेक कंपनी है। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और कॉन्टैक्ट कीजिए मुझसे। अगर आपको वीडियो सही लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हो और उसके बराबर रिप्लाई दिया जाएगा।